अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को डेस्परेट पेशेंट एम्सकोस के चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 इस्लामियात के एम्सकोस डिस्कस करने वाला हूँ और ये तमाम एम्सकोस इंतहाई अहम हैं, तो वीडियो को गौर से देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बरवक्त पहुँचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एम्सकोस है, हाउ मेनी डेज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन इन द अपार्टमेंट ऑफ फिश। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे, जिसका करेक्ट आंसर है 40 डेज। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन एंड हज़रत अबू बकर टुक रिफ्यूज ड्यूरिंग हिजरत इन द केव। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक हिजरत के मौके पर किस गार में पनाह ली थी, तो इसका करेक्ट आंसर है गारे सौर में। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, क्रामिन कातबीन कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है टू एंजल्स के नाम है। नेक्स्ट एम्सक्यू, ड्यूरिंग हज अरफात गैदरिंग अकर इन। हज के मौके पर अरफात में जो गैदरिंग होती है किस दिन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 9 ज़िलहज को। नेक्स्ट एम्सक्यू है, हजरत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कब कबूल किया, तो इसका करेक्ट आंसर है 8 हिजरी को। नेक्स्ट के विच डिपार्टमेंट गॉड फंक्शनल ड्यूरिंग हजरत बिन उमर बिन अब्दुल अजीज पीरियड। कौन सा डिपार्टमेंट हजरत उमर के दौर में स्टार्ट हुआ, जिसका करेक्ट आंसर है बैतुल माल का। नेक्स्ट के सूरह अल कौसर इज द शॉर्टेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान। सूरह कौसर जो है ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। द नंबर ऑफ इट वर्सेस इट, इनकी आयात की कितनी तादाद है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द गज़वा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कौन सी गज़वा में पार्टिसिपेट नहीं हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है गज़वे तबूक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेव ऑफ द मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एट द प्लेस ऑफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद माजदा की कब्र कहाँ पर मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है अबवा में। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, मदीना इज फाउंड इन विच डायरेक्शन ऑफ मक्का। मदीना मक्का की किस डायरेक्शन पे वाकिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ पे। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, एज ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन हिज मदर डाइड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी जब आपकी वालदा का विसाल हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 साल, 6 ईयर्स। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, द लेंथ ऑफ डिच डग इन द वार गज़वे अज़ाब। गज़वे अज़ाब के टाइम या गज़वे खंदक के टाइम जो डिच खरीदा गया बनाया गया था, तो वो कितना था, तो इसका करेक्ट आंसर 3.5 माइल्स था। नेक्स्ट एम्सक्यू है, देयर आर डैश डोर्स ऑफ हेवन। जन्नत के कुल कितने दरवाजे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 8। नेक्स्ट एम्सक्यू है, अबू जहल वॉज किल्ड इन विच गज़वा। अबू जहल किस गज़वा में मारे गए थे, इसका करेक्ट आंसर है गज़वे उहद में। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, मुस्लिम नेवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। जो मुसलमानों की नेवी फोर्स कब और किन्होंने इंट्रोड्यूस की, तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, हुदैबिया एग्रीमेंट टुक प्लेस इन डैश ईयर ऑफ हिजरा। हुदैबिया जो एग्रीमेंट था ये किस हिजरी को हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 हिजरी। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ करबला टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मुहर्रम इन द हिजरी। जो करबला का वाक्या हुआ था मुहर्रम के महीने में, लेकिन किस हिजरी को हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 61 हिजरी। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, असहाब कैफ बिलोंग टू कंट्री। असहाब कैफ जो थे किस मुल्क से बिलोंग करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है सीरिया से। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्लूड इन फर्स्ट कलमा। पहले कलमा में कितने अल्फाज हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूरह थ्रो लाइट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। जो क़यामत के दिन आखिरत के दिन है, वो कौन सी सूरत इसके ऊपर है, तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह अल कैफ। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वाज अ स्लेव एंड हिज मास्टर वाज। हज़रत बिलाल ले हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु गुलाम थे, लेकिन इनके मास्टर का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर है उमैया बिन खलाफ। नेक्स्ट एम्सक्यूज है, हु वाज कॉल्ड सॉर्ड ऑफ अल्लाह।
अल्लाह ताला की तलवार किन को कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है हजरत खालिद बिन वलीद रजी तआला अन्हु को। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, विच खलीफा ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द पोस्टल डिपार्टमेंट, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है ये किस खलीफा ने स्टार्ट कराया? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत उमर रजी तआला अन्हु ने। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन मार्टायर इन इस्लाम, इस्लाम में पहली खतून जो शहीद हुई है उनका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत सुमैया रजी तआला अन्हा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, विच प्रॉफिट नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द रेन ऑफ स्टोन, पत्थरों की बारिश की वजह से किस पैगंबर की कौम खत्म हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत लूत अलैहि सलाम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, व्हाट वाज द नेम ऑफ हजरत हलीमा ट्राइब, हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा का कौन सा कबीला था? जिसका करेक्ट आंसर है बनू साद। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, गिव द नेम ऑफ द प्रॉफिट हु नेम हैज बीन मेंशन मोस्ट इन होली कुरान, कुरान पाक में किस पैगंबर का जिक्र बार बार हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत मूसा अलैहि सलाम का। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, पिक आउट द ग्रेटेस्ट मार्शल ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है द होली कुरान। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, देयर आर मेनी नेम्स ऑफ होली कुरान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल जिक्र, अल जिक्र का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है द बेस्ट बुक। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, विच सूरह स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, कौन सी सूरह जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह अल तौबा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, अ मेल इज कन्फाइंड एंड रेप इन डैश डैश शीट, जो मर्द मैयत होती है मर्द की वो कितने कफन के लिपट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, गैदरिंग ऑन अरफात ड्यूरिंग हज इज मेड ऑन, जो अरफात में गैदरिंग होती है वो किस दिन होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 ज़िलहज को। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, हाउ मेनी स्टेजेस द कुरान कंटेन, कुरान पाक में कितने स्टेजेस हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 7, जिनको मंजिल कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, बैतुल रिजवान वाज मेड टू टेक द रिवेंज ऑफ, बैतुल रिजवान किस लिए हुआ था, किसका बदला लेने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत उस्मान रजी तआला अन्हु का। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, द हिजरा कैलेंडर वाज इन्वेंटेड बाय, जो हिजरत का कैलेंडर है ये किन्होंने इन्वेंट किया? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत उमर रजी तआला अन्हु ने। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, केव हीरा इज इन द माउंटेन, जो केव हीरा है ये किस माउंटेन पे है? तो इसका करेक्ट आंसर है जबले नूर पर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, द ओनली आंट ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु एम्ब्रेस इस्लाम वाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफियों में से वो कौन सी फुफी थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत सफिया अलैहि सलाम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हैड 10 अंकल्स एंड हाउ मेनी एम्ब्रेस इस्लाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 चचा थे लेकिन उनमें से कितनों ने इस्लाम कबूल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सिर्फ 2 ने। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हैड डैश सन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन बिलोंग टू डैश फैमिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक रखते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है हाशमी से। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, द कैपिटल ऑफ इराक इज, इराक के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है बगदाद। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, हजरत उमर रजी तआला अन्हु रूल्ड फॉर, हजरत उमर रजी तआला अन्हु ने कितना अरसा रूल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 years and 5 months। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, हाउ मेनी टाइम द वर्ड इस्लाम यूज इन होली कुरान, कुरान पाक में इस्लाम का लफ्ज कितनी मरतबा आया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 92। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, द ऑर्डर ऑफ हिजाब फॉर वुमेन इन, जो हिजाब का हुक्म औरतों को दिया गया था ये कब दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 हिजरी को। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, सूरह रहमान इन विच पारा, सूरह रहमान जो है ये किस पारे में है? तो इसका करेक्ट आंसर है 27 में। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, द होली बुक रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इज, होली बुक जो नाजिल हुई है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे उसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है जबूर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रॉफिट्स हुज नेम आर मेंशन इन होली कुरान, कितने पैगंबरों का नाम कुरान पाक में आया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 26। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, मस्जिद किबलतैन इज इन, मस्जिद किबलतैन कहाँ पे मौजूद है? तो करेक्ट आंसर है मदीना में। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, द कलर ऑफ फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वाज,
इस्लामिक फ्लैग का रंग पहले क्या था, जिसका करेक्ट आंसर है वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस कहते हैं, इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड, जो हजरे अस्वद को टच करने का अमल को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है इस्तलाम। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशन मीडिया और जॉब रिलेटेड अलर्ट आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसके अलावा कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी पास पेपर, तो हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह।